वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कविता जिसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। इस कविता के रचनाकार हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 21 अगस्त 1998 ईस्वी को हुई। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हिंदी के महान साहित्यकार थे। उनका जन्म आगरा जिला के रोहता गांव में हुआ था। उन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी। उन्होंने आगरा को अपना काव्य क्षेत्र बनाया और केंद्रीय हिंदी संस्थान को वह एक तीर्थस्थल मानते थे। इसमें प्रायः भारतीय और विदेशी हिंदी छात्रों को हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान दिलाने में माहेश्वरी जी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रस्तुत कविता हम सब सुमन एक उपवन के उनका एक लोकप्रिय बाल गीत है और इस कविता के माध्यम से कवि हमें फूलों के जीवन से प्रेरणा लेकर एकता के सूत्र में बंधने का संदेश देते हैं। तो आइए इस सुंदर कविता का आनंद लेते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सब की, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी, एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जो हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के, कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के। सुमन मतलब फूल, उर मतलब हृदय, भ्रमर मतलब भौरा और निर्धन मतलब गरीब, सूत्र मतलब धागा, सुगंध मतलब खुशबू, श्रृंगार मतलब सजना सवरना, उपवन मतलब बगीचा और गगन मतलब आकाश। इस कविता में कवि ने सुमन शब्द का उपयोग मनुष्य के लिए और उपवन यानी बगीचे का उपयोग धरती के लिए किया है। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि हम सब इस धरती माँ के संतान हैं, यानी इस धरती रूपी बगिया के फूल हैं और एक ही मिट्टी में हम सब का जन्म हुआ है, हम सबको एक ही धूप मिली है यानी एक ही सूरज की रोशनी मिली है, और एक ही पानी से एक ही जल से हम सब सींचे गए हैं, एक ही हवा के झोंकों ने हम सबको झूला झुलाया है, भले ही हम रंग बिरंग के हैं यानी फूलों की तरह हमारा रूप भी रंग भी अलग अलग हैं, हम अलग अलग जाति और धर्म के हैं, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी, भले ही हमारा जाति धर्म रंग रूप अलग अलग है लेकिन हम सबसे मिलकर इस धरती माँ की शोभा है, एक हमारा माली हम सब यानी हम सभी का माली एक ईश्वर है, और एक ही गगन के नीचे हम सभी रहते हैं, एक हमारा सूरज जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जो हम सबको नहलाती। कवि कहते हैं एक ही सूरज की रोशनी हम सबको मिली है और जिस प्रकार सूरज की किरणें यानी रोशनी कलियों पर पड़ती है तो कलियों का और यानी हृदय खिल जाता है, अर्थात कली खिलकर फूल बन जाता है, उसी प्रकार हम सबको भी एक ही सूरज की रोशनी मिली है, एक ही चांद की चांदनी हम सबको मिली है, हम सभी को एक ही स्वर मिले हैं यानी भ्रमरों के मीठे गुंजन के, अर्थात भौरों के मीठे स्वर का आनंद हम सबको एक ही समान मिला हुआ है, कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लाख मुसीबत आने पर भी हम सब ने एक साथ मिलजुल कर रहना सीखा और मुसीबत के समय भी हंस हंस कर एक साथ मिलकर हम लोगों ने जीना सीखा है।
एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रंग बिरंगे फूल अपने सारे भेदभाव भूल कर एक सूत्र में एक धागे में बंध कर गले का हार बनते हैं, उसी प्रकार हम सब भी अलग अलग रंग रूप और जाति धर्म के होते हुए भी एकता के सूत्र में बंध कर मुसीबत के समय में सब साथ रहते हैं। हम सब जिस प्रकार फूल की सुगंध सबके लिए होती है, उसी प्रकार हम सब भी एक दूसरे के लिए हैं, चाहे वो धनी हो या निर्धन हो। सभी प्रकार के मनुष्य मिलजुल कर इस धरती पे रहते हैं और मुसीबतों का एक साथ मिलकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार फूलों का जीवन दूसरों के लिए समर्पित है, उसी प्रकार हम सबका जीवन भी इस धरती माँ के लिए समर्पित होना चाहिए। जिस प्रकार रंग बिरंग के फूल आपसी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर बागीचे की शोभा बढ़ाते हैं, उनकी खुशबू सबके लिए होती है, वो धनी और निर्धन सबके श्रृंगार के काम में आते हैं, उसी प्रकार हम सबको भी आपसी भेदभाव रंग रूप सबको भूलकर एकता के सूत्र में बंधकर रहना चाहिए। क्योंकि हम सभी को प्रकृति से जितनी भी चीज़ें हैं एक समान मिली है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो या चांद की चांदनी हो या पवन के झोंके हो या जल हो, सब कुछ हम सबको बराबर मिली है और एक ही धरती माँ के हम सभी संतान हैं। इसीलिए हम सबको फूलों की तरह मिलजुल कर इस धरती रूपी बगिया की शोभा बढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हम सबको एकता के सूत्र में बंध कर रहना चाहिए। तो उम्मीद है यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।